कुछ नए अंदाज का खाने का मन है तो हम आपके लिए आज खास रेसिपी लेके आए हैं। आज हम कश्मीरी दम आलू की रेसिपी लेके आए हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है और सबको बहुत पसंद आती है। नमस्कार, मैं प्रीति प्रीति सैफ्रॉन में आपका स्वागत करती हूँ। यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए अब हम देखते हैं कि कश्मीरी दम आलू कैसे बनाते हैं। कश्मीरी दम आलू बनाने के लिए ये मैंने आधा किलो छोटे वाले आलू लिए हैं। इनका मैंने छिलका छील लिया और फिर अच्छे से धो लिया है। अब हम एक फॉर्क की सहायता से इनको गोद लेंगे। गोदने से ये फायदा रहता है कि जो करी का रसा होगा सब अंदर तक आलूओं के चला जाता है। इसी तरह से हम सारे आलूओं को गोद लेंगे। हमने सारे आलूओं को गोद लिया है। अब हम इन आलूओं को डीप फ्राई करेंगे। अब हम एक पैन में सरसों का तेल लेंगे। सरसों के तेल में ये रेसिपी अच्छी बनती है। आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इस तेल में आलूओं को डाल देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और आलूओं को हाफ कुक करेंगे। आलू हमारे हल्के गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। हम इसी स्टेज में आलूओं को निकाल लेंगे। आलू हमारे हाफ कुक्ड हो गए हैं। आलूओं को फिर हम ठंडा करके फिर डीप फ्राई करेंगे। आलू ठंडे हो गए हैं। अब हम फिर से इनको गोद लेंगे और फिर इनको दोबारा डीप फ्राई करेंगे। इस प्रोसेस को करने से ये फायदा रहता है कि हमारी करी आलूओं के बिल्कुल अंदर तक जाएगी और आलू बिल्कुल अंदर तक सॉफ्ट हो जाएगा। अब हम वही पैन लेंगे जिसमें पहले डीप फ्राई करे थे। तेल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें आलू को फिर से डाल देंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे। अब हम आलूओं को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। आलू हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। अब हम करी बनाएंगे। दम आलू की करी बनाने के लिए हम 1 कप या 250 ग्राम दही लेंगे। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। आधा टीस्पून हम जिंजर पाउडर डालेंगे। ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है। 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे। इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें हम 1 टीस्पून सौंफ पाउडर डाल देंगे। इन सभी को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम करी बनाएंगे। अब वही पैन लिया है जिसमें हमने आलूओं को डीप फ्राई करा था। इसका एक्स्ट्रा ऑयल हमने निकाल दिया है। ये हमने 4 टेबल स्पून सरसों का तेल लिया है। तेल हमारा गर्म हो जाए। तेल हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें हम 1/4 टीस्पून जीरा डालेंगे। चुटकी भर हींग डालेंगे। और अब हम 1 दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे और 1 हरी इलायची डालेंगे और इनको भूनेंगे। अब हम 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। इससे कलर बहुत अच्छा आता है और तीखा भी कम होता है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे जिससे हमारी मिर्च जले नहीं। अब हम इसमें दही डाल देंगे जिसमें हमने मसाले मिला रखे हैं। इस समय हम गैस की फ्लेम को लो रखेंगे नहीं तो दही हमारी फट जाएगी। और लगातार चलाते हुए हम भूनेंगे। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे और 1 टीस्पून नमक डालेंगे और लगातार हम
चलाएंगे जब तक वो तेल नहीं छोड़ देगी हमारी दही। एक कढ़ी ने तेल छोड़ दिया है, अब हम इसमें आलूओं को डाल देंगे। ढक्कन लगा दिया, इनको मिलाएंगे। अब हम लिड लगाकर आलूओं को लगभग 10 मिनट तक पकाएंगे। गैस की फ्लेम को लो मीडियम रखेंगे। अब हम आलूओं को चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारे कश्मीरी दम आलू अच्छे से बन गए हैं। अब हम इनको सर्व करेंगे। कश्मीरी दम आलू बनके तैयार हैं। आप इसे रोटी, पराठे, नान या राइस किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अगली रेसिपी के साथ आपसे मिलते हैं। नमस्कार।